oxygen which is essential for the survival of all organism is produced during photosynthesis. तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के बिना सभी जीव सर्वाइवल नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑफ द अर्थ. तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं, फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, तो इनके बिना हमारा लाइफ क्या है इस अर्थ पे, इम्पॉसिबल है. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लिप्स, तो लिप्स में क्लोरोफिल्स होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. तो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, इनके क्या सिंथेसाइज क्या ये बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. और इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल. तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 बोल सकते हो और वाटर को H2O बोल सकते हो. तो इनके प्रेजेंस में क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनते हैं. तो आप इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस यहाँ पे दिया गया है, फोटोसिंथेसिस का डायग्राम. और यहाँ आप देख सकते हो ब्लू बॉक्स में Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. तो ये जो पत्तियाँ होती हैं, photosynthesis also takes place in other green parts. तो photosynthesis की जो पत्तियाँ होती हैं हरी होती हैं, और इनके सभी जितने भी पार्ट्स होते हैं हरे होते हैं. तो इन ग्रीन स्टीम्स, इनके जो ग्रीन स्टीम होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं स्टीम, और इनके ब्रांचेस भी ग्रीन कलर के होते हैं. द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपरेशन. दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टीम्स विच कैरी आउट फोटो सिंथेसिस. तो द डिजर्ट प्लांट्स, जो डिजर्ट यानी कि सूखे जगहों पे, या जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे राजस्थान में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि ये आपका कैक्टस का प्लांट है. तो इस पे ये जो प्लांट्स, ये आप देख रहे हो, ये जो कैक्टस के ये जो ये लिप्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कांटे होते हैं, स्पाइन लाइक लिप्स होते हैं. तो ये जो आप कैक्टस के ये जो पत्तियां होती हैं, ये स्पाइन यानी कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं कैक्टस के प्लांट. तो क्या होता है कि ये क्या करती हैं कि स्पाइन लाइक लिप्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. तो ये वाटर यानी पानी को लॉस होने से बचाती हैं, कैसे, बाई ट्रांसपरेशन, यानी कि ट्रांसपरेशन के द्वारा. ये ट्रांसपरेशन क्या होता है, पेड़ों से पानी का भाप बन के उड़ जाना, ये ट्रांसपरेशन कहलाता है. तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टीम. तो इनकी जो पौधे होते हैं, ये जो स्टीम होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. और ये प्रोसेस जो होते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स इंडिकेट्स द ऑक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जो स्टार्च होते हैं, क्या करते, ये प्लांट्स में बनते हैं. तो कब बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम बनते हैं ये स्टार्च. तो स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. तो ये स्टार्च क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं पौधे के.